एक्टर ऋतिक रोशन की खराब तबीयत की वजह से फिल्म बैंग बैंग का स्केड्यूल कई बार पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन अब ऋतिक ने फैसला किया है कि वो अपनी फिल्म की मेकिंग में कोई प्रॉब्लम्स आने नहीं देंगे। यही वजह है कि वो पूरी तरह से इस फिल्म पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि इस फिल्म के शूटिंग और प्रमोशंस को अपने सारे डेट्स देने की वजह से ही ऋतिक ने फिल्म शुद्धि न करने का फैसला किया है। डायरेक्टर मोहित सूरी फिल्म विलन के बाद अपनी फिल्म हमारी अधूरी कहानी करने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म को महेश भट्ट खुद लिख रहे हैं और इस फिल्म में एक्टर्स विद्या बालन, इमरान हाशमी और राजकुमार राव का लव ट्रायंगल दिखाया जाएगा। खबरों की माने तो एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने अपनी फिल्म इश्क इन पेरिस के डीओपी एस नटराज के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रीति का कहना है कि उन्होंने एस नटराज को अपनी फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अभी भी उन्होंने उन पैसों को नहीं लौटाया है जो प्रीति ने उन्हें फिल्म साइन करते वक्त दिए थे। इस मामले में फिलहाल एस नटराज बातचीत करके प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।